एकमात्र ऐसा कौरव जो जिंदा बचा हुआ था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद आखिर उस कौरव का क्या हुआ, वो कहाँ गया? आप देख रहे हैं अमेजिंग लाइफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस देखते रहें। यूं तो कौरव 100 थे, लेकिन ये एक गलत जानकारी है। दरअसल कौरव 101 थे। 100 कौरवों का खात्मा महाभारत युद्ध के दौरान हो चुका था, लेकिन एक ऐसा भी कौरव था जिसने अपना पक्ष बदल लिया। उसने कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा। हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र पुत्र और दासी पुत्र युयुत्सु के बारे में। युयुत्सु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता धृतराष्ट्र थे, किंतु माता गांधारी नहीं बल्कि एक दासी थी जिसका नाम सोवली था। जब युयुत्सु का जन्म हुआ तो वो दिखने में ही अत्यंत बलवान लगता था और इसी कारण उसका नाम युयुत्सु यानी कि योद्धा रखा गया। वो दुर्योधन से छोटा और दुशासन से बड़ा था। महामंत्री विदुर की ही भांति उसने भी जीवन भर राजपुत्र होने के बावजूद भी दासी पुत्र होने का ताना जीवन भर झेला। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत ज्यादा था। अन्य सदस्यों के लिए भी वो एक राजपुत्र ही था। महाभारत के युद्ध के बाद वही इकलौता ऐसा कौरव था जो जीवित बचा हुआ था और उसी ने धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी। युयुत्सु कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों के उलट उसके मन में सदैव धर्म की ओर ही हमेशा झुकाव रहता था। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उसने ही युधिष्ठिर को सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया है। आपको एक और जानकारी दें कि युधिष्ठिर सभी कौरवों में सबसे ज्यादा युयुत्सु को ही पसंद करता था। कहा जाता है कि वो एक उत्कृष्ट योद्धा था। उसकी गिनती श्रेष्ठ महारथियों में की जाती थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ना चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही युधिष्ठिर के कहने पर उसने कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल होना बेहतर समझा। युधिष्ठिर जानते थे कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा, इसलिए उसने अपने सबसे प्रिय युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के अस्त्र और शस्त्र आपूर्ति के लिए कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी और भीम के भय से राजमहल में सभी शांत थे, तब युयुत्सु ने युधिष्ठिर और कृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजा कन्याओं को सांत्वना दी थी। फिर वे महात्मा विदुर से मिले और उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे और उनका ख्याल रखा। साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी के मरने के बाद युयुत्सु ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उन्हें अंतिम संस्कार दिया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। 36 वर्ष तक राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परिश्चित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को उसका अंगरक्षक बनाया। दोस्तों, युयुत्सु ही थे वो एक कौरव जो अंत तक जीवित बचे रहे और उन्होंने पांडवों का साथ निभाया। दोस्तों, महाभारत युद्ध में लगभग 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना। युद्ध के समाप्त होते होते इन 18 दिनों में दोनों ओर की लगभग पूरी सेना का अंत हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ मिट्टी भर योद्धा ही जिंदा बचे थे। उस विनाशकारी युद्ध में दोनों पक्षों का लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान था। उनकी मृत्यु की कोई कथा कहीं उपलब्ध नहीं है और यहाँ तक माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य शरद्वान के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जनपद था, जो इंद्रदेव द्वारा भेजी गई एक देवकन्या या अप्सरा थी, जिसे ऋषि शरद्वन की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि शरद्वन और देवकन्या जनपद के मिलन से दो बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में त्याग दिया। जब वहां से राजा महाराज शांतनु ने जंगल में विहार करते समय उन्हें देखा तो उन पर कृपा करके उनका पालन पोषण किया। उनका नाम कृप और कृपी पड़ा। कृप की बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिनसे एक महान पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था।
महाभारत समाप्त होने के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे और उनके कुल गुरु बन गए थे कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अतिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत युद्ध में कृतवर्मा अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं बल्कि एक बलशाली योद्धा थे। उनके पराक्रम का उन्होंने अनेक बार प्रदर्शन किया था। महाभारत में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छुप गया था, तब कृतवर्मा ने सामने आकर दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जब अश्वत्थामा ने रात में छुपकर अनेक पांडव योद्धाओं का अनिति कर वध किया था, तब कृतवर्मा ने जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का वध कर दिया था। अश्वत्थामा महाभारत महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है, जिसके जिंदा होने की चर्चा आज भी है। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में, जिसमें तपेश्वर नामक शिवलिंग था, उसकी घोर तपस्या की थी। तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें स्वयं की शक्तियों के अंश से एक पुत्र प्रदान किया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसके कारण वो बिना थके हुए लंबे समय तक युद्ध कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता। तभी वे अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में सुनकर गंभीर शोक में पड़ गए थे। जब अश्वत्थामा ने सोए हुए निरअपराध बालकों की हत्या कर दी थी, तब महाभारत के अनुसार पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष ले गए थे। अश्वत्थामा को अपने पाप का एहसास था। उसे देखकर द्रौपदी का मन पिघल गया। द्रौपदी ने बोला, आर्य पुत्रों, ये एक गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हत्या पाप है। इसके वध से इनकी माता कृपी भी मेरी तरह अपने पुत्र के शोक में विलाप करेगी। इसकी हत्या से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, अतः आप इसे मुक्त कर दें। तब अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर और उनके केश काटकर उसे मुक्त कर दिया गया था। ऋषिकेतु, ये वृषकरण के एक पुत्र का नाम है, जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचा था। कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी तथा उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। महाभारत युद्ध के बाद वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। शकुनी पुत्र व्रापिचिति, मामा शकुनी की पत्नी का नाम आरुषि था। उनके तीन पुत्रों का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। प्रचिति सबसे छोटा था। शकुनी पुत्र ब्रकासुर का जन्म भी एक यज्ञ से हुआ था। वो भी एक बलशाली योद्धा था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन वक्रासुर और नकुल के बीच युद्ध में वक्रासुर का अंत हो गया था। शकुनी पुत्र उल्लूक को महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था। उसने पांडवों को दुर्योधन का अपमानजनक संदेश सुनाया था। तब अर्जुन उसे मारने चला था, किंतु कृष्ण ने ये कहकर रोक दिया था कि संदेश वाहक की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो अपने राजा का संदेश सुना रहा है। युद्ध के 18वें दिन उसका वध सहदेव के हाथों हुआ था। जब तक शकुनी जिंदा था, तब तक विपरीतचिति एक प्रधानमंत्री की तरह गांधार राज्य को संचालित करता था। शकुनी और अपने समस्त भाइयों की मृत्यु के बाद उसे गांधार का राजा बना दिया गया था। इसके अलावा कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र और गांधारी भी जिंदा बचे थे। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जो महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से जिंदा बचे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दे। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप महाभारत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।